नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहां कलेक्टर के आदेश की धज्जियां स्कूल संचालक उड़ा रहे हैं। पूरे जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को सरकारी और निजी स्कूलों का अवकाश घोषित किया था। उसके बावजूद त्योंदा में एक निजी स्कूल का संचालन किया गया। स्कूल संचालक को कलेक्टर के आदेश की कोई चिंता नहीं थी। भारी बारिश के चलते बच्चों और स्टाफ को स्कूल में जाना पड़ा। वहीं शिक्षा विभाग में अधिकारी कार्रवाई करने से कतराते हैं, लेकिन यह मामला बेहद ही गंभीर था कि कलेक्टर के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। जब इस मामले की जानकारी कलेक्टर तक पहुंची, तो फौरन उन्होंने अवहेलना के मामले में स्कूल को नोटिस थमा दिया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं विदिशा के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह। उनसे उनकी राय जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सर, मैं अनुव्रत शर्मा बोल रहा हूँ इंडिया खबर लाइव से। सर, आपके आदेश अनुसार कल क्षेत्र के सभी स्कूल्स को बारिश के लिए चलते बंद कर दिया गया था, जबकि कल त्योंदा में निजी स्कूल खुला हुआ था। सर, हमारे रिपोर्टर ने अभी जानकारी दी है कि आपने इस स्कूल पर कोई एक्शन लिया है। सर, इस संबंध में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। स्कूल को दिया है नोटिस, भेजा है कि भाई आप पालन क्यों नहीं करते। पूरा मामला क्या सर? वो बताते हैं कि मतलब जैसे जो सबके आदेश रहते हैं उनको प्राइवेट स्कूल है मानते नहीं है, चाहे बाढ़ में बच्चों की छुट्टी का मामला हो या और भी किसी चीज का मामला हो। जी सर, क्या कड़ा एक्शन लिया गया है या बस चेतावनी दी गई है स्कूल को? अभी नोटिस भेजा गया, जवाब लेके कार्रवाई। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विदिशा के कलेक्टर, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने चेतावनी और नोटिस स्कूल को थमाया है। त्योंदा से एलएन चौबे के साथ मोनू पटेल की रिपोर्ट। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। धन्यवाद।